जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पार्ट वन वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत कमाल का रिस्पांस दिया, वहाँ पर 7,500 से ज़्यादा व्यू आए हैं, तो इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट टू है। इस वीडियो में भी मैं 1A 3.0 अपडेट के बाद कितना हिडन फीचर नया फीचर आया है M21 M31 और F41 में, वो सब बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फीचर आया है और इस फीचर का यूजेस क्या है, मतलब बेसिकली हमारे डेली लाइफ में ये कितना यूज़फुल है, सभी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई इंटरफेस चेंज नहीं दिखाने वाला, मतलब सेटिंग्स में इंटरफेस चेंज हुआ है या फिर कोई एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस चेंज हुआ है वो नहीं दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। मैं वही सब दिखाऊंगा, वही सब ऑप्शन दिखाऊंगा जो ऑप्शन नया आया है इस अपडेट के बाद या फिर वो ऑप्शन पूरा चेंज हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो रिमूव परमिशन का, मतलब इस ऑप्शन के जरिए आप अपने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर परमिशन को रिमूव कर सकते हो अगर वो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो। और बेसिकली ये ऑप्शन एंड्रॉयड 11 का है। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको सिंपली अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, उसके बाद जाना है ऐप्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, जिस भी एप्लीकेशन के अंदर आप चाहते हो कि उसका परमिशन आप ऑफ करना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और परमिशन के अंदर जाना है। और यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव परमिशन का ही। इस ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन बहुत समय अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर वेरी करता है। कुछ एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन ऑन तो हो जाता है लेकिन कुछ एप्लीकेशन के अंदर ये विजिबली नहीं रहता, ऑन नहीं कर सकते आप। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा, लेकिन जिस भी एप्लीकेशन के अंदर ये सपोर्ट करता है वहाँ पर ये बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो लेकिन वो बैकग्राउंड में कुछ परमिशन अलाउ रहता है और हो सकता है कि वो आपका डेटा यूज़ कर रहा हो। तो उस केस में आप अगर इस ऑप्शन को एनेबल कर लोगे तो ये बहुत ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन है मीडिया आउटपुट, मतलब बेसिकली आप अपने कोई भी सॉन्ग को मतलब प्ले कर रहे हो तब कोई भी सॉन्ग को आप अपने हिसाब से ब्लूटूथ डिवाइस मतलब ब्लूटूथ स्पीकर या फिर अपने मोबाइल के स्पीकर के थ्रू उसको प्रोड्यूस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो दो ऑप्शन है डिवाइस और मीडिया का। तो यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो जिस भी प्लेयर से ये प्ले होगा, कोई भी म्यूज़िक प्ले होगा वो यहाँ पर शो करेगा। और उसके अलावा नीचे यहाँ पर माई डिवाइस का ऑप्शन है, मतलब इस डिवाइस से आप अगर प्ले करना चाहते हो अपने डिवाइस से तो यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। और उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन रहेगा, अगर आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्टेड रहोगे तो उसका ऑप्शन नीचे दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और वो साउंड मतलब वो सॉन्ग उस ब्लूटूथ डिवाइस से प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत ही मुझे कमाल का ऑप्शन लगा जो इससे पहले नहीं था और ये बेसिकली एंड्रॉयड 11 का एक ऑप्शन है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। आप अपना राय मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इस बार अपडेट के बाद कैमरे के अंदर उतना कुछ नया फीचर नहीं आया है, लेकिन मुझे एक फीचर नोटिस हुआ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फीचर आप अगर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे तो वहाँ पर फोकस लॉक का एक ऑप्शन आ गया है इस बार अपडेट के बाद, मतलब इस बार आप फोकस को लॉक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा जो दूसरे कोई एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके यूज़ करते थे लेकिन अभी हमें कैमरे के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप यूज़ करके देखना कितना यूज़फुल है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन है वॉल्यूम लिमिट का, मतलब इससे पहले अगर आप हेडफोन लगाकर मतलब ईयरफोन लगाकर कोई भी सॉन्ग सुनते थे और वहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते थे करते थे तब वहाँ पर एक वार्निंग आता था कि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ अगर आप करोगे तो हो सकता है आपके ईयर को डैमेज हो। तो इस बार आप इस ऑप्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से और इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपली आपको जाना है अपने सेटिंग्स पर और वहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन के अंदर आपको वॉल्यूम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है और मीडिया वॉल्यूम लिमिट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ कस्टम वॉल्यूम लिमिट और सेट वॉल्यूम लिमिट पिन दो ऑप्शन है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने वॉल्यूम लिमिट को और इसको कस्टमाइज़ करने के बाद नीचे आप पिन भी सेट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आपका वॉल्यूम मतलब ईयरफोन इनपुट रहेगा तब आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा उस लेवल तक जितना लेवल आपने दिया था इससे पहले, और उसके बाद अगर आप उससे ऊपर वॉल्यूम देना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर देख सकते हो कैंसिल और सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स पर और यहाँ से आपको
वॉल्यूम लिमिट को इंक्रीज़ करना है, और इंक्रीज़ करने के टाइम आपको यहाँ पर पिन डालना है जो भी आपने इससे पहले डाला था, और उसके बाद ही आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मुझे उतना मतलब पॉइंटलेस एक सेटिंग्स लगा, उतना यूज़फुल सेटिंग्स नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर अगला वाला जो सेटिंग्स है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग्स लगा इस बार अपडेट के बाद जो आया है। इस सेटिंग्स का नाम है RCS, मतलब रिच कम्युनिकेशन सर्विस। तो इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल कर लोगे तो आप अपने मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू चैट कर सकते हो नॉर्मल, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हो, फोटो भी सेंड कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जिसको चैट करना चाहते हो, जिसको सेंड करना चाहते हो, उसके फ़ोन में भी RCS होना चाहिए। तो इसको एनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स पर, और वहाँ पर आपको कनेक्शन पर जाना है, और मोर कनेक्शन सेटिंग्स के अंदर रिच कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिंपली एनेबल कर देना है। तो अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर लोगे तो मान लो कि अगर आपके सिम में बैलेंस नहीं है, फिर भी अगर आपके सिम में डेटा है, तो डेटा कनेक्शन को ऑन करने के बाद आप अपने मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू ही कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, और वो डेटा के मतलब डेटा कनेक्शन को यूज़ करके वो जाएगा, और उसके अलावा कोई फोटो भी सेंड कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया फीचर लगा, आप यूज़ करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो अगला वाला सेटिंग्स है, ये बेसिकली एंड्रॉइड 11 का एक सेटिंग्स है, और इस सेटिंग्स के थ्रू मतलब सेटिंग्स तो नहीं, फीचर के थ्रू आप अपने नोटिफिकेशन को देख सकते हो, ओल्ड नोटिफिकेशन को, रिसेंट नोटिफिकेशन को। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल से उसको रिमूव भी कर दोगे तो भी आप देख सकते हो, और उसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन पैनल के अंदर चैट करते हो, जैसे कम्युनिकेट करते हो कोई भी मैसेंजर एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के नोटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दो सेटिंग्स। पहला वाला सेटिंग्स है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, इसके अंदर आप अपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को देख सकते हो, और दूसरा वाला सेटिंग्स है कन्वर्सेशन का, मतलब इस वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर कोई भी कन्वर्सेशन किए होगे, जैसे कि व्हाट्सएप पर करते हैं हम लोग, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगला वाला सेटिंग्स ऐड हुआ है जेस्चर के अंदर। इस सेटिंग्स के थ्रू आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करके मोबाइल को मतलब स्क्रीन ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, और ये सेटिंग्स आपको दूसरे फ़ोन्स में पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन सैमसंग के अंदर ये नहीं था, बट इस बार OnUI 3.0 अपडेट के बाद ये आ चुका है। तो इसको एनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना है एडवांस्ड फीचर के अंदर, और यहाँ पर मोशन एंड जेस्चर के अंदर आपको मिल जाएगा दो ऑप्शन। पहला वाला है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको एनेबल करना है, और दूसरा है ऑफ स्क्रीन, दोनों को एनेबल करना है। और इसके बाद अगर आप डबल टैप करोगे अपने स्क्रीन के कोई भी खाली जगह पर, तो आपका फ़ोन स्लीप मोड पर चला जाएगा, और उसके बाद अगर आप डबल टैप करोगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर है, जो दूसरे कंपनी के फ़ोन्स में ऑलरेडी है लेकिन सैमसंग में नहीं था, और इन लोगों ने इस बार दे दिया है, तो बहुत ही बढ़िया काम किया। तो इस बार अपडेट के बाद बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि एडिट करने के बाद हमारा फ़ोटो सेव नहीं हो रहा था, मतलब एडिटेड फोटो तो सेव हो रहा था लेकिन उसका ओरिजिनल फोटो सेव नहीं हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। इसके लिए आपको अपने सिंपली कोई भी फोटो को एडिट करना है, उसके बाद थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सेव कॉपी पर क्लिक करना है। तो सेव कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही फोटो सेव हो चुका है, ओरिजिनल और एडिटेड फोटो। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, गलती से मान लो कि अगर आपने कोई भी फोटो को एडिट करने के टाइम सेव पर क्लिक कर दिया सिंपली, और ओरिजिनल फोटो ही नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आपको करना सिंपली ये है कि आपको एडिट वाले फोटो को फिर से एडिट करना है, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्ट का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपली ओके करना है, और आपका पुराना फोटो जो ओरिजिनल फोटो है वो फिर से आ जाएगा और आप सेव कर सकते हो। तो यही दो ऑप्शन है जो मुझे गैलरी के एडिट के अंदर देखने को मिले। तो अगला वाला ऑप्शन बैटरी से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर बैटरी पर क्लिक करना है, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पहले से कुछ ऑप्शन था लेकिन एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जिसका नाम है नेवर स्लिप एप्स। तो मुझे ये बहुत ही खराब सेटिंग्स लगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करता रहे हमेशा, और इससे बैटरी ड्रेन मतलब बढ़ जाता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि इंटरनेट स्पीड मीटर, सैमसंग के अंदर नहीं मिलता देखने को कोई स्पीड मीटर, तो इसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है दूसरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और उस एप्लीकेशन को हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में रन करता रहे, तो यहाँ पर स्पीडोमीटर जैसे एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। तो
तो इस बार अपडेट के बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हॉटस्पॉट का जो हॉटस्पॉट कनेक्टेड डिवाइस रहता है वो इससे पहले नोटिफिकेशन पैनल के अंदर शो करता था, लेकिन इस बार नहीं कर रहा है। और मैंने भी नोटिस किया, सचमुच नहीं कर रहा था। तो उसको देखने के लिए सिंपली आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहाँ पर हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हो कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये कोई फीचर नहीं है, लेकिन एक चेंज हुआ है छोटा मोटा सा, इसीलिए मैंने बता दिया। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ नया फीचर हो जो इस बार अपडेट के बाद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं इस वीडियो का पार्ट 3 लाऊं तो मैं उस वीडियो के अंदर आपका वो फीचर ऐड कर दूंगा आपको क्रेडिट देकर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ और देख लो, वहाँ पर भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग फीचर मैंने दिखाया है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।